हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे सुबह के 9। अभी फ्रेश फ्रेश होके चाय के चुस्की लेके अभी निकल रहे हम वर्क पे। और वर्क तो आज बहुत सारा है, शेड्यूल बहुत टाइट है, लेकिन साथ में ब्लॉग भी करना है क्योंकि आज मेरा सेकंड ब्लॉग है। और फर्स्ट ब्लॉग तो हुआ था, उसके भी थोड़ी बहुत बात करना है, वो भी फ्री पढ़ के भी बात करेंगे। लेकिन अभी निकल रहे हैं जॉब पे, और महादेव की श्रावण मास वो भी चालू हो गया है, तो कुछ नज़ारे दिखा रहा हूँ। मेरे घर के बिल्कुल सामने एक मंदिर है महादेव का, भोलेनाथ का, तो वहाँ पे सब दर्शन करने के लिए आते हैं। फ्रेंड में अभी ऑफिस पे पहुंचते ही मेरे नज़र में मेरे को बहुत सारा याद आ गया कि भाई ये काम करना है, वो काम करना है। धीरे अरे कल का वो काम तो बाकी रह गया, तो ये सारे काम मेरे को निपटाने हैं। रास्ते में कहीं कहीं जगह पे इतना ट्रैफिक था कि ना पूछो बात। लेकिन हम एडजस्ट कर लेते हैं कौन सी क्लिप कहाँ पे लेनी है, थोड़ी बहुत ले लेते हैं और ब्लॉग में डालते हैं दोस्तों। तो अभी जस्ट काम ख़त्म करके डिनर तो हम रात को करेंगे, लेकिन उसके पहले जो लंच आएगा वो लंच हमको हमारे को घर पे करना होता है। तो मैं इतना सारा वर्क ख़त्म करके फिर से घर पे जाऊंगा। घर पे जाते ही देखते हैं आगे का शेड्यूल मेरा क्या है। एक्चुअली में मैं शेड्यूल का कोई फिक्स नहीं रखता हूँ, बताया कि मैं जैसे लंच करता हूँ वैसा मेरा शेड्यूल फाइनल होता है। तो एक्चुअली में मैंने लंच स्टार्ट किया मैंने और मेरे पापा ने, तो शेड्यूल ऐसा कुछ बना के मेरे भतीजे का कॉल आया था कि काका जी दादाजी को बता देना कि आज मेरे घर पे एक प्रसंग है माता जी का, तो तुम्हारे को सबको आना है। तो कुछ काम के हिसाब से पापा जा नहीं सके, मेरे को बोले कि धीरेन्द्र तू जाकर आ जा। तो एक्चुअली में मैं बंजारा समाज से बिलोंग कर रहा हूँ। मेरा समाज में एक बोलते हैं ना कि हर फेस्टिवल सबके रीति रिवाज सारे अलग होते हैं, तो मेरे समाज में भी एक रीति रिवाज सारे अलग है। तो प्रसंग है तो गणगौर माता जी का प्रसंग यानी वो फेस्टिवल जैसा होता है हमारे समाज में, और सारे लेडीज सारे जेंट्स सब इकट्ठा होकर बहुत अच्छी तरह से उसको सेलिब्रेशन करते हैं। तो चलो मिलते हैं वहाँ पे। फाइनल में अभी पहुँच चुका हूँ मेरे भतीजे के वहाँ। बच्चे भी बहुत सारे आ गए हैं, शोर कर रहे हैं। क्या नाम क्या है तेरा? जयराज। और हाथ में ये क्या लगा है तेरे को? कहाँ से पड़ गया है? अंदर से। बहुत वॉइस आ रहा है, इसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन ये मेरे समाज का एक फेस्टिवल है। बहुत ये गणगौर माता का सेलिब्रेशन है, ये लेडीज लोग लेके आ रही है, और एक बहुत अच्छी तरह से मेरा समाज के सारे लोग फेस्टिवल को बहुत उत्साह से सेलिब्रेशन करते हैं। ये मेरे भतीजे का लड़का है। ये देख ही रहे हो अभी कितना वॉइस आ रहा है, कितना फेस्टिवल को कितना सेलिब्रेशन किया जा रहा है। ये मेरे समाज का एक बहुत बड़ा प्रसंग मानने में आता है माता जी का। तो सारे समाज के सारे लेडीज और जेंट्स सब साथ में होके इसका सेलिब्रेशन करते हैं।
गणगौर माता जी का जो त्यौहार जो फेस्टिवल था अभी जो ख़त्म हो गया, आज साल बहुत एंजॉयमेंट किया, वो ख़त्म करते हुए अभी जा रहे हैं घर पे जाके कुछ दूसरा एक दो काम में ख़त्म करके बाद में शाम को हम मिलते हैं। दोस्तों से बताऊँ तो आज पूरा दिन पूरा शेड्यूल बहुत बहुत शानदार रहा, और आज एक जो सोचा नहीं था कि गणगौर माता का एक फेस्टिवल होगा और वहाँ पे मेरे को जाना है, तो आज वो भी एक बहुत बढ़िया एक शानदार रहा, क्योंकि एक गणगौर माता का फेस्टिवल मेरे समाज में जो होता है बहुत शानदार होता है, बहुत यानी बहुत उसके जो सॉन्ग है वो जो मेरे समाज के लोग हैं उसको मालूम पड़ता है कि सॉन्ग में क्या है क्या नहीं है। तो जॉब से आ गए, माता जी का फेस्टिवल भी कम्प्लीटली कर लिया हमने, और उसके बाद डिनर हो गया। अब दोस्तों ब्लॉग का यहाँ पे हम एंड करते हैं, तो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।